सुबह के 5 बजे मैं अपने टेरेस पे अपने कपड़े सुखाता था, फिर फेर भाई ने आया और सीन कुछ ऐसा हुआ। फिर मैं YouTube पे गया और YouTube पे जाके मैं कुछ ऐसा देखता हूँ। थ्री फिंगर बेस कस्टम HUD, थ्री फिंगर कस्टम HUD, थ्री फिंगर क्लॉ ऑटो हेडशॉट, थ्री फायर कंट्रोल, टू फिंगर वर्सेस थ्री फिंगर। फिर जब मैं अपने चैनल में जैसे ही एंटर करता हूँ तो सीन कुछ ऐसा हुआ। यहाँ क्यों आया है, निकल जा। सो फाइनली बहुत दिन के बाद एक कमेंटेड वीडियो लेके आ चुके हैं और कमेंटेड वीडियो कमेंट किया था कि बीरन भाई ने, और उसका भी एक चैनल है, तो जाके प्लीज उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जिस जिसको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके और सिलेक्ट कर देना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज वीडियो होने वाला है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम हैंड टाइम के साथ दिखाएंगे और समझाएंगे, तो वीडियो को एकदम टिल टू एंड वॉच करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में क्या होता है कि जगह अगर आप टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको कुछ कुछ बटन को अनलॉक करना पड़ेगा, कि जैसे हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं कि ऐसे ही आपको अनलॉक करना पड़ेगा। क्या क्या बटन अनलॉक करना पड़ेगा, वो एक जो है आपका जो मतलब क्विक ऑफ एंड स्विच और एक जो है लेफ्ट फायर बटन, ये दोनों बटन को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है कस्टम HUD। तो कस्टम HUD में जाने से पहले कुछ बता देना चाहते हैं कि अगर आप टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट हो रहे हो तो अच्छा गेम प्ले करने के लिए शिफ्ट हो रहे हो, और अच्छा गेम प्ले करने के लिए आपको एक अच्छा कस्टम मोड भी चाहिए होता है। तो अच्छा कस्टम मोड बनाने के लिए आपको कैसा करना होगा कि कुछ कुछ प्लेयर होते हैं कि राइट साइड में अपना जंप बटन रखते हैं, तो आप वाइट वेव की तरह यानी कि जो हम दिखा रहे हैं ऐसे भी आप रख सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड में जंप बटन रख सकते हो, आप राइट साइड में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। और फिर हमारा जो आता है क्विक ऑफ एंड स्विच, क्विक ऑफ एंड स्विच हम जिस जगह पे दिखा रहे हैं ठीक इसी जगह पे रखो, तो इससे आपका गेम प्ले भी इंप्रूव होगा और आप इजीली इस क्विक ऑफ एंड स्विच को भी यूज़ कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो आता है हमारा फायर बटन, रन बटन, हम जिस जिस जगह पे दिखा रहे हैं ठीक उसी जगह पे आप रन बटन फायर बटन को रखो, तो आपका गेम प्ले और आपका फिंगर स्पीड दोनों ही इंक्रीज होगा। सो लेट्स कम टू अवर थर्ड पॉइंट जो आता है फिंगर सेटअप। तो फिंगर सेटअप में क्या है कि अगर आप टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको आपके मोबाइल को अच्छी तरीके से ग्रिप करना आना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे ग्रिप करेंगे कि आपका जो मतलब कि लेफ्ट हैंड का जो तीन फिंगर हम दिखा रहे हैं, इस तीन फिंगर के अंदर हम इस फिंगर को बोलेंगे फर्स्ट फिंगर, इसको बोलेंगे सेकेंड फिंगर, और हमारा जो लेफ्ट थंब है उसको बोलेंगे हम थर्ड फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर से आपको आपके मोबाइल के कॉर्नर को अच्छे से ग्रिप करना होगा। फिर ग्रिप करने के बाद आप अपना जो सेकंड फिंगर है, इस सेकंड फिंगर को हम किस किस से यूज़ करेंगे कि क्विक ऑफ स्विच और फायर बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लेफ्ट थंब को हम यूज़ कर सकते हैं हमारा जो फायर बटन है, जंप बटन है, और एक जो एनालॉग बटन है हम इसको, और स्कोप बटन मेनली इस बटन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तीन फिंगर का ऐसा ही कुछ काम है, और हमने जिस तरीके से बताया इसी तरीके से अगर आप ये तीनों फिंगर को यूज़ करते हो तो आपका जो थर्ड फिंगर होता है वो आप बहुत आसानी से मूवमेंट करवा सकते हो, आपको आपका गेम प्ले भी इम्प्रूव कर सकते हो और आपका जो फिंगर स्पीड है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। सो अब आता है हमारे फोर्थ टॉपिक के ऊपर जो है इंक्रीज फायर बटन साइज। तो इंक्रीज फायर बटन साइज का मतलब होता है कि आपको फायर बटन साइज को इंक्रीज करना होगा। तो इसको आपको क्यों इंक्रीज करना होगा कि जब आप थर्ड मतलब कि थ्री फिंगर में आप जब गेम प्ले कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस लॉबी में जाके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले पहले टाइम आपको सभी बटन्स को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि जो आप थर्ड फिंगर जो यूज़ करके मतलब कि ये वाला फिंगर जब आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत सुविधा होगा, मतलब कि बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आता है हमारे फिफ्थ टॉपिक के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन में आप जाके कैसे प्रैक्टिस करोगे और कब जाके मतलब कि प्रैक्टिस करोगे, तो ये थ्री फिंगर में आने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये कोई आसान वाला ट्रिक नहीं है। हाँ, हमारा टिप्स बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, लेकिन ये ट्रिक्स थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड वर्किंग है, मतलब कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। तो सबसे पहले आप जब थ्री फिंगर में हमने जो सेटिंग्स बताया उसको फॉलो करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस स्टेशन के लॉबी मेन लॉबी में मत जाओ, आप डमी वाला लॉबी पे जाओ, और डमी वाला लॉबी पे जाने के बाद डमी के ऊपर प्रैक्टिस करो, वन शॉट, क्विक ऑफ एंड स्विच, ऑटो हेडशॉट, ड्रैग शॉट, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। तो इससे क्या होगा, आपका फिंगर स्पीड बहुत ही इंक्रीज होता रहेगा, और मतलब कि फिंगर जब आपका बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब कि सारे बटन्स के ऊपर आपका मतलब कि सोच अच्छे से आ जाएगा, तब जाके आप मेन लॉबी में जाओ और उधर जाके बहुत सारा प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप मेन गेम प्ले में आओ। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे भी बंदे होते हैं
कि थ्री फिंगर में जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद टू फिंगर में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं कि थ्री फिंगर में बहुत ही अच्छा गेम प्ले देते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर वन टैप आप कैसे मारना चाहते हो थ्री फिंगर में, अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वन टैप सीरीज का पूरा एक चैट हमने दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी है, जाके चेक कर लेना। उससे स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है कि कैसे आप थ्री फिंगर में वन शॉट मार सकते हो, बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक है। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, इसमें आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। और फाइनली आ चुके वीडियो के एंड में। वीडियो तो डालते ही रहते हैं लेकिन क्या होता है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियो सही तरीके से नहीं डाल पाते। ये देखो 7 डेज के बाद, 8 डेज के बाद, या फिर हफ्ते में एक बार हम वीडियो लाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए ऐसा हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द इसको इम्प्रूव करने के लिए। चैनल भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो आप लोगों के बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को होना पड़ेगा। और प्लीज़ हम हाथ जोड़ के आप लोगों से सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजना, और वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द आने वाला है। हम कोशिश करेंगे इस बार से वीडियो बहुत जल्दी लाने की, आप लोगों के कमेंट्स को और ख्वाहिश को पूरे करने की। तो चलिए एंड करते वीडियो को, सही होना।